सेकेंड पॉइंट विच वी हैव इज द ऑब्जेक्टिव्स कि भाई रिक्रूटमेंट के माध्यम से, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहते हैं. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पीछे. सो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक फर्स्ट वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पीपल विद द मल्टी डायमेंशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसिस एंड दैट शुड बी प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज. कि भाई हमारा अल्टीमेट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि भाई हम मल्टी टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमारी कंपनी में लाना चाहते हैं. तो मल्टी टैलेंटेड जो जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वैसे बंदों को हमारी कंपनी की तरफ हमें अट्रैक्ट करना है कि जिसके माध्यम से क्या कर सके कि भाई वो लोग हमारी कंपनी में करंट और फ्यूचर जो स्ट्रेटेजीज है, प्लान्स है, पॉलिसीज है, उसके मुताबिक काम करें और कंपनी के गोल को अटेन करने में हेल्प करें. तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम मल्टी टैलेंटेड स्किल्स नॉलेज एक्सपीरियंस वाले बंदों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वी वॉन्ट टू इंडक्ट द आउटसाइडर्स विद अ न्यू परस्पेक्टिव टू लीड द कंपनीज. कि भाई सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम न्यू ब्लड्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई अगर कोई नया बंदा हमारी कंपनी के अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो बंदे की जो सोच होगी, देखने का नजरिया जो होगा वो अलग होगा एंड दैट विल बी हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन के भी वो कंपनी को हेल्प करेगा. कैसे? तो कि भाई वो चीज़ों को देखने में, समझने में, डिसीजंस लेने में वो क्या है डिफरेंट होगा वो बंदा. तो डेफिनेटली नई स्ट्रेटेजीज, नई डिसीजंस के साथ वो कैसे आगे बढ़ता है, अगर आगे बढ़ता है तो उससे कंपनी को फायदा मिलता है. थर्ड ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्यूज द फ्रेश ब्लड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, नए ब्लड को कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं, नए बंदे को वर्क प्लेस पर लाना चाहते हैं जिसका जो थॉट प्रोसेस है, जो एटीट्यूड, परसेप्शंस, वैल्यूज, बिलीव्स, वो सारी चीज़ें अलग अलग है जिसके माध्यम से वो क्या है टोटली सेपरेट बंदा है, अलग बंदा है. तो नया बंदा होगा, यंग ब्लड होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, जुस्सा होगा, वो और एफर्ट्स लगा के कंपनी के लिए काम करेगा तो उससे कंपनी को फायदा होगा. वी वॉन्ट टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट अट्रैक्ट्स द कॉम्पिटेंट पीपल टू द कंपनी. कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई हम कंपनी के अंदर एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से हम अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सके, नए एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी में काम करना अच्छा लगे, उनको कंपनी अच्छी लगे, वो हम क्या है चाहते हैं. तो उसके लिए हम हेल्दी एनवायरनमेंट कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू सर्च द हेड हंट और हेड पाउच द पीपल हुज स्किल्स फिट द कंपनीज वैल्यूज. कि भाई रिक्रूटमेंट के माध्यम से हम हेड हंटिंग करना चाहते हैं, मतलब मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, कॉम्पिटिटर की कंपनी के अंदर कोई बंदा है कि जो हमारे यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है, हमारे यहाँ पे जो स्किल्स नॉलेज रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो बंदे के पास सब कुछ है, तो वैसे बंदे को हम अट्रैक्ट करके, मोटिवेट करके हमारी कंपनी में लाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू डिवाइस द मेथोडोलॉजीज फॉर असेसिंग द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. कि भाई हम क्या है जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, कि भाई मैंने जैसे बोला कि भाई एटीट्यूड, परसेप्शन, तो ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो उसको हम असेस करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं, नई चीज़ें लाना चाहते हैं. तो हमारे हर एक एम्प्लॉयज जो है उनका देखने का तरीका, सोचने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, उसमें कोई चेंजेस आए, कुछ डिफरेंट करे, वो हम चाहते हैं. टू सर्च फॉर द टैलेंट ग्लोबली एंड नॉट जस्ट विद इन द कंपनी. कि भाई हम क्या चाहते हैं कि भाई नया जो टैलेंट है वो इवन पूरे ग्लोब में से हमारी कंपनी के अंदर आना चाहिए. कि भाई नॉर्मली हम करेंगे कि भाई हम कंपनी के अंदर से ही उसको प्रमोट करके नई पोस्ट पे अपॉइंट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, नया जो ब्लड होगा वो कंपनी में नहीं आएगा, नई सोच कंपनी में नहीं आएगी, तो वो इवन कंपनी को नुकसान पहुँचा सकती है. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि भाई इवन पूरे ग्लोब में से, पूरे वर्ल्ड में से, पूरे मार्केट में से नए लोगों को हम अट्रैक्ट करके कंपनी में लाना चाहते हैं. We want to design the entry pay that competes on quality but not on the quantum. कि भाई इवन
as a organizations, we want to provide this such a pay through which we can create the qualitable employees. कि भाई हमारा यहाँ पे फोकस क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे होना चाहिए. तो उस हिसाब से हमें इवन पे स्ट्रक्चर हमारा डेवलप करना चाहिए कि जिसके माध्यम से इवन हम अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सके कि यस ये कंपनी के अंदर पे पैकेज अच्छा है, मेरे को सैलरी अच्छी मिलती है, अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं, बेनिफिट्स अच्छा मिलता है, तो मैं क्यों ना एक कंपनी में जाऊँ. सो इवन अच्छे एम्प्लॉयज, क्वालिटीबल एम्प्लॉयज जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे अगर हमारा पे पैकेज जो होगा वो अच्छा होगा. तो we can anticipate and find the peoples for the positions that do not exist yet. ki even recruitment ke madhyam se hum identify karenge ki we kon kon se employees jo hai wo hamari company mein aa sakte hain, wo kon kon se types ki job kar sakte hain. so even company ke andar currently presently wo job exist nahi karti hai, wo designations exist nahi karta, but लोगों को मिल के उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको सीवी के देख के उनकी डिग्रीज एक्सपीरियंस को देख के वी कैन गेट द आइडियाज कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर वर्किंग ओवर द फील्ड. कि फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटर्स के अंदर क्या लोग, कैसे लोग, कौन सी पोस्ट पे कैसे काम करते हैं. तो उसके बेसिस पे इवन हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं उसका भी हमें नॉलेज मिल सकता है. तो ये सारे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स है कि जो हम रिक्रूटमेंट के माध्यम से फुलफिल करना चाहते हैं.